दोस्तों आपने नर्सरी तो बहुत देखी होगी, लेकिन नर्सरी में खाने की बात बड़ा अजीब लग रही थी। दोस्तों एक कहावत है कि इस दुनिया में इंसान सिर्फ तीन चीजों के लिए जीता है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों में से कपड़े और मकान के बिना इंसान गुजारा कर सकता है, लेकिन खाने के बिना इंसान का जीवन संभव नहीं है। इस दुनिया में खाने की इतनी किस्में हैं कि अगर एक डिश भी ट्राई करने लगे तो पूरी उम्र बीत जाएगी पर डिश खत्म नहीं होगी। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और सुंदर सुंदर व्यंजनों का मजा लें। कहा जाता है कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह, दोपहर का खाना राजकुमार की तरह और रात का खाना रंक की तरह करो और स्वस्थ रहो। खा लो विवेक भाई। कहाँ दीदी? अच्छा आ गई, हो गया, कैसा हुआ? बढ़िया बढ़िया हुआ, बहुत लेट किया तुमने। दोस्तों किसी शायर ने कहा है, लोगों को अपनी अमीरी कुछ इस तरह दिखाता हूँ, कोई दिख जाए भूखा तो उसे भरपेट खिलाता हूँ, भरपेट खिलाता हूँ। चटनी के साथ खा के बताओ कैसा है। कैसा है? बढ़िया। चलो ठीक, कल से कुछ पूछ लो। नहीं खाओ तुम लोग। दोस्तों किसी शायर ने कहा है, लोगों को अपनी अमीरी कुछ इस तरह दिखाता हूँ, कोई दिख जाए भूखा तो उसे भरपेट खिलाता हूँ, भरपेट खिलाता हूँ। बहुत अच्छे सजाया सर। जब वो हिसाब करना नहीं जानता था तब उसको कैश में बिठाते थे, तो बाबा कितने वापस करने। तो दोस्तों अब बात करते हैं ढोसा पर। मुझे पसंद है चटनी के साथ ढोसा, मैं नहीं तोड़ता किसी का भरोसा, और लीजिए खाइए गर्मा गर्म ढोसा। चले थोड़ा सा एक बार इधर। दोस्तों एक कहावत है, क्या मजा है प्यार मोहब्बत करके रोने में, क्या मजा है प्यार मोहब्बत करके रोने में, असली मजा तो है खाने पीने और सोने में। असली मजा है खाने पीने और ये मैं खा रहा हूँ। धनिया आलू, धनिया आलू ये कोई खाने की चीज है? धनिया मिला हुआ है उसमें, आलू है। अच्छा, और भाई साहब उधर पेमेंट करेंगे हमारे चंद्रा भाई साहब, बी लॉ वाले, पेमेंट की चिंता ना करो। और दोस्तों अंत में आपको सुनाता चलूं, बर्गर खाया, पिज्जा खाया और खाया खूब पेटी, मगर आज भी माँ के हाथों का बना लगे मुझे बड़ा, यानी बड़ा अजीज। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर एंड लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।